तो महाराष्ट्र में उलेमा बोर्ड की मांगों पर महा विकास अघाड़ी की ओर से पहला आधिकारिक जवाब दिया गया है। उलेमा बोर्ड को एनसीपी शरद पवार गुट ने चिट्ठी भेजी है। जयंत पाटिल ने इस चिट्ठी में लिखा है कि सरकार आई तो मांगों पर गंभीरता से विचार करेंगे, मांगे पूरी करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। शरद पवार की पार्टी ने उलेमा बोर्ड को चुनाव में समर्थन देने और महा विकास अघाड़ी के पक्ष में प्रचार करने की मांग की है। तो महा विकास अघाड़ी के सामने उलेमा बोर्ड की शर्त क्या क्या है जरा वो भी देख लेते हैं। पहला, वक्फ बिल का विरोध, नौकरी शिक्षा में 10% मुस्लिम आरक्षण, राज्य में मस्जिद कब्रिस्तान और दरगाह की जब्त जमीन पर का सर्वे कराएं, महाराष्ट्र में वक्फ मंडल के विकास के लिए 1,000 करोड़ का फंड, 2012 से 2024 तक दंगे में बंद बेगुनाह मुसलमानों को लेकर सरकार कुछ कार्य करे। और देखिए, इस बीच झारखंड में अमित शाह का बयान आया। झारखंड में बोले गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती है, बीजेपी सरकार में अल्पसंख्यक आरक्षण नहीं, मुस्लिम आरक्षण तो किसका कोटा घटेगा, ये सवाल भी उठाया है अमित शाह ने। मुस्लिम आरक्षण से दलित पिछड़ा वर्ग का कोटा घटेगा, संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था नहीं। कांग्रेस पार्टी आरक्षण संविधान की बात करती है, मगर हमारे संविधान में कहीं पर भी धर्म के आधार पर आरक्षण का स्थान नहीं। कोई भी धर्म विशेष को कभी आरक्षण नहीं दे सकते। कांग्रेस पार्टी अभी महाराष्ट्र में कोई उलेमाओं के समूह ने उनको एक ज्ञापन दिया कि 10% आरक्षण मुसलमानों को दिया जाए, और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा हम इसमें आपकी मदद करेंगे। मैं झारखंड वालों को पूछने आया हूं, अगर मुसलमानों को 10% आरक्षण मिलता है तो कम किसका होगा, किसका कम होगा? पिछड़ा वर्ग, दलित और आदिवासी का कम होगा। एक कांग्रेस पार्टी पिछड़ा वर्ग, दलित और आदिवासी का आरक्षण काटकर मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती है। मैं यहां से राहुल गांधी को चेताना चाहता हूं, आपके मन में जो भी षड्यंत्र हो राहुल बाबा, जब तक भारतीय जनता पार्टी है इस देश में माइनॉरिटी को आरक्षण नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते, TV9 से बातचीत में स्मृति ईरानी का बयान सामने आया। मोदी सरकार के विकास में कोई भेदभाव नहीं, उलेमा बोर्ड को महा विकास अघाड़ी के आश्वासन पर कहा, टैक्स पेयर का पैसा समुदाय विशेष के लिए नहीं। मैम, उलमाओं ने एक लिस्ट तैयार की और महाविकास अघाड़ी से वो लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमारी ये सब मांगें पूरी कर दे तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। आपको, आप किस तरीके से देखते हैं इन सभी चीज़ों को? टैक्स पेयर पैसा देता है ताकि सड़क बने, टैक्स पेयर पैसा देता है ताकि गरीब के लिए स्कूल बने, टैक्स पेयर पैसा देता है ताकि अस्पताल मिले जिसमें हर समुदाय के लोग जाएं। टैक्स पेयर जो टीचर है उसका भी पैसा देता है, लेकिन वो टीचर एक समुदाय का हो विशेष, इसके लिए टैक्स पेयर पैसा नहीं देता। एक सवाल अजीत पवार जी को लेकर है, जिस तरीके से योगी जी ने बोला, जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने बोला नेक हैं, सेफ हैं, इसी पे जो संजय राउत है वो कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर आते हैं तो हम लोग अनसेफ फील करते हैं, तो इस तरह के बयानों को आप किस तरीके से देखिए? राजनीतिक प्रतिद्वंदी अगर सेफ फील करने लगे तो इसका मतलब तो हमारा काम ढंग से हो नहीं रहा। अब राजनीतिक प्रतिद्वंदी अगर संजय राउत जी हैं तो हम ये चुनाव उनकी सेफ्टी के लिए नहीं, जनता की सेफ्टी के लिए लड़ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी जनता से आह्वान करते हैं कि समुदाय को एकजुट रहना चाहिए, कि लोगों को जाति के आधार पर बंटना नहीं चाहिए, तो ये तो पॉजिटिव एक गवर्नेंस का एजेंडा है। दूसरा, अजीत पवार जी जिस तरीके से कह रहे हैं उसको आप किस तरीके से लेते हैं? वो थोड़ा सा इस मामले पार्टी के प्रतिनिधि हूँ, उनकी पार्टी की नहीं। उनकी सोच और मेरी सोच 100% मिलती हो ये ज़रूरी नहीं है। हमने अपना पूरा का पूरा एजेंडा गवर्नेंस का 10 साल में राष्ट्र के सम्मुख जब प्रस्तुत किया तो नरेंद्र मोदी ने ही सबका साथ सबका विकास का जय घोष किया,
और आप खुद इस बात के साक्षी हैं कि मोदी ने जब सड़क बनाई तब ये थोड़ी ना कहा था कि इस पर धर्म विशेष लोग ही चलेंगे या मेरे वोटर ही चलने वाले हैं, सभी के लिए राष्ट्र का निर्माण होता है। एक आखिरी सवाल, राहुल गांधी आते हैं और कहते हैं कि धारावी में जो कुछ भी हो रहा है ऐसा लग रहा है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सब कुछ ओन कर रही है, तो मुझे लगता है कि एक नैरेटिव है जो उन्होंने चलाया जिस पर वो सतत हारे, और वो नैरेटिव का शिफ्ट नहीं कर सकते क्योंकि कहीं ना कहीं उनके पास मुद्दों का अभाव है। तो मैं बार बार उसी सवाल पर जवाब दे रही हूँ जो पिछले 10 साल से बोल रहे हैं और 10 साल से केंद्र में हार रहे हैं और तीसरी बार केंद्र में हार रहे हैं। महाराष्ट्र में आप पहले भी कर्मभूमि रही है आपकी, इस बार भी चुनाव प्रचार कर रही हैं, किस तरीके का उत्साह आपको दिख रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ना सिर्फ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी बल्कि सरकार भी बनाएगी, ये माहौल है। थैंक यू। तो सुना आपने स्मृति ईरानी ने क्या कहा। कुमार कुंदन हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। कुमार कुंदन, हम सुन रहे थे स्मृति ईरानी को, ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ जा रहा है मुस्लिम वोट बैंक जो है दलों की राजनीति के केंद्र में आता जा रहा है, चाहे उलेमा बोर्ड की तरफ से जो रिक्वेस्ट आई है उस पर जो आश्वासन है या फिर बीजेपी की तरफ से जो स्टैंड है कि एक है सेफ है उसको आगे बढ़ाने की रणनीति, चाहे घटक दल ही उस बयान से सहमत न हो। देखिए रवि, स्मृति ईरानी ने बहुत ही साफ कहा कि जिस तरीके से ये उलेमाओं ने सब कुछ किया है उसके बाद से उनका साफ कहना था कि ये वर्ग विशेष के लिए अगर आप कोई काम करते हैं तो इसे सही नहीं है। जैसे उनका कहना था कि आप टैक्स पेयर का पैसा लेते हैं, आपके टैक्स से सरकार जो है सड़क बनाती है, स्कूल बनाती है, लेकिन किसी एक विशेष को फायदा करने के लिए नहीं है, पूरे वर्ग विशेष को फायदा करने के लिए नहीं, पूरे समाज के फायदे के लिए होती है, किसी खास वर्ग विशेष के लिए नहीं। तो निश्चित रूप है वोट बैंक की राजनीति में अंक गणित का बहुत महत्व है और जीतता वही है जिसके पास अंक ज़्यादा हो। तो हर वैध दल, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, कोशिश में लगा हुआ है कि अपनी में संख्या ज़्यादा जुटाए। ऐसे में जो उलेमा हैं उनको भी ऐसा लगता है कि अगर हमने तमाम तरह की अपनी डिमांड को मांग के रखते हुए हैं और अगर उन मांगों को पूरी की जाती है तो उनके हक में कई सारी बातें होंगी। हालांकि उसमें कई सारे ऐसे टॉपिक है जो बहुत कंफ्यूजिंग है, जैसे कि वक्फ बोर्ड को लेकर उनका विरोध है, उनका मानना है कि इंडिया गठबंधन के जो सदस्य हैं वक्फ बोर्ड का जो है वो विरोध करें, और तमाम तरह की डिमांड्स हैं। लेकिन जहाँ तक उस डिमांड के आधार पर वोट देने की बात है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी को परेशानी है कि इस तरीके से जो अगर आप ब्लैकमेल करके वोटिंग करते हैं तो ये गलत है। ठीक है, बिल्कुल। उनकी जो नीति है उनकी नीति बिल्कुल, इसको लेकर कई सारी प्रतिक्रियाएं आ रही है और मुझे लगता है आने वाले समय में इस पर बयानों के तीर चलते रहेंगे। शुक्रिया कुमार कुंदन हमसे जुड़ने के।